Yeah. So firstly, Asim, abhi recently you turned 21, I believe. Yes. And you know, you joined the industry when you were 16. Yes. So roughly 5 years ho gaye aapko. Haan, so the start kaise ho? How did you come to this point ki you wanted, you know, ki mujhe singer banna hai? Kya sab kuch? Yaar, bachiyan. Mazak kar raha hu, mazak kar raha hu, bilkul bhi aisa nahi. Lekin kya start hua interview? Lekin aaj hum sach baatein karenge. Haan, bilkul honest. Honest baatein karenge. तो मैंने कवर्स करने शुरू किए थे ठीक है और उससे मुझे अटेंशन थोड़ी मिलने लगी हु डजंट लाइक अटेंशन ऑब्वियसली ठीक है एंड मैंने फेसबुक फैन पेज बनाया उस पर थोड़े लोग आए 1000 लोग हुए तो मुझे लगा मैं तो मतलब स्टार बन गया हूँ हाँ मैंने दुनिया कॉन्कर कर ली है और बट वो आहिस्ता आहिस्ता 1000 से कब 10,000 हुए लाख हुए फिर मिलियन है यू हैव योर स्टार आसिम मैंने सुना है सोर्सेज से कि यू नो व्हेन यू जॉइन द इंडस्ट्री कौन सी सोर्सेज पहले ये बस अननेम्ड सोर्सेज हैं अच्छा नॉट ऑफ योर फ्रेंड्स तो अच्छा सो इंडस्ट्री में जब हमने स्टार्ट किया तो बिल्कुल भी इस पे यकीन नहीं करूंगा तो आप जब वीडियोस अपलोड करते थे जो बुरे कमेंट्स आते थे यू टू मॉडरेट देम एंड यू टू डिलीट देम कंप्लीटली लाइक यू वुड यू नो डिलीट एवरी नेगेटिव कमेंट इज दैट ट्रू या बिकॉज़ यार मतलब इमेजिन एज 15 16 ईयर ओल्ड मतलब मैंने स्टार्ट तो 15 में किया था 16 में जाके मुझे अटेंशन मिली बट इमेजिन लाइक एक 15 16 साल के लड़का नाइव होता है बहुत यू नो तो उसके लिए मतलब इतने पर्सनल हेट कमेंट्स आना क्योंकि मुझे ऑब्वियसली जो यंग टीनेज लड़कियां थी वो पसंद कर रही थी और लड़के हेट कर रहे थे तो वो कुछ ऐसी ऐसी चीजें लिखते थे जो मेरे म्यूजिक से रिलेटेड ही नहीं होती थी हाँ पर्सनल के शक्ल देखी है तुमने और ये वो पता नहीं मतलब फिजूल पर्सनल बात है ना तो मैं सोचता था मैंने कहा क्या बिगाड़ा है मैंने इनका और मैं बड़ा हर्ट होता था मतलब सोचता था बहुत इसके बारे में To a point where I got so tough, my skin got so tough कि मुझे realize हुआ कि यही तो fuel है कि this is you अगर आपको कोई बुरा नहीं कह रहा तो you're doing something wrong. तो आप जब बुरे comments आते हैं how do you react to those comments now? Recently अभी एक comment आया था और कि you know they were talking about the case where नासिर ने photo लगाई with फवाद खान and then you commented कि I worship शाहरुख खान तो उसपे लोगों ने बहुत comment किया. जी. So, the things are blown out of proportion in Pakistan. So, how do you react to इस तरह की जब होते हैं कि ये देखें आसिफ सर क्या कर रहा है इस पे क्या रिएक्शन होता है अगर मैं पहले होता तो मैं बहुत मतलब अगर ये 2-3 साल पहले होता तो मैं बहुत फ्लिप आउट करता कि यार ये क्या हो गया बट अब आई एम लाइक मतलब न्यूज ही है ना तो सही है मतलब सही है नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी हां मतलब मैंने एक इसे कहते हैं ना कि मतलब एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच मतलब वर्शिप में घर पे उसको यूं थोड़ी करता हूं पूछता थोड़ी हूं या सजदे करता हूं बट आई लव हिम टू एन एक्सटेंड कि वो एक यूज करते हैं ना वर्शिप में लेकिन हम कॉम बहुत स्पेशल है और हम हर चीज लिटरेट ले लेते हैं तो अभी आपका जो लास्ट सॉन्ग दैट यू रिलीज 5 AM सुबह के 5 बजे सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस बहुत मजा आया द सॉन्ग टर्न रियली वेल या सो यू नो लेट्स डू समथिंग कि अब जो गाना है आपका 5 AM व्हाई डोंट यू सिंग इट फॉर अस फर्स्टली इन योर स्टाइल एंड देन वी विल हैव यू सिंग दैट इन सम ठीक है कंटेंपरेरी मैं जरा घूंट ले लूं गरम कॉफी का सुबह के 5 बज गए वे मैनू की होया की होया नींद आंदी है तेरी यादा में खोया मैं खोया वे खोया सारी कसमां भुल गई है विच विछोड़े पा गई है ना बदल दे मेरा जो मैं हुन रोया जे रोया या व्हाई डू यू थिंक दैट इज आईमा कैन यू डू दैट अच्छा आईमा इज अ वेरी मतलब टैलेंट मतलब शी हैज सो मेनी टोन्स कि उसको जिस गाने में भी आप डालोगे वो ढल जाएगी बट द बेस्ट टोन दैट आई लाइक ऑफ हर इज वाला सुमारे पांच बज गए मैं मैंने की होया क्योंकि उसके एक आती है कहीं कहीं गाने में एंड देन देयर इज सम पॉइंट्स वेयर शी इज लाइक हां सुमारे पांच बज गए मैं मैंने इन कलावाज है तो उसका काफी वो दिल सिंह के साथ सजाद अली सुमारे पांच बज गए मैं मैंने की होया बिल्कुल माफ कर रहे हैं मुझे सजाद अली मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूं ये अगर अली अजमन गाते तो मुझे पता है कैसे गाते ओ सुबह दे पांच बज गए वे मैनू की होया try to sing it as Mumina यार Mumina your good friend Mumina सुबह दे पांच बज गए वे मैनू की होया she has this little वो जो end करती है ना So she has this little style yeah, she has. कि वो end करती है and अगर I think उमेर जब सवाल करेगा तो कैसे करेगा कैसे कहते हाँ सुबह दे पांच बज गए वे मैनू की होया nice that was something
So Asim, aapne singing se acting mein bhi, you know, you've done a few TV shows. Yeah, yeah. So let's test your acting skills a bit, theek hai? Okay. So let's have this round of charades. Let's do it. Yahan pe films nahi aayengi, yahan pe kuch activities aayengi, kuch cheeze aayengi, so you have to act those out for me, theek hai? Okay. So I'll have to act and you'll guess? Yeah. Coffee, drinking, cigar, cigarette. What do you call it? Like a champagne, wine, wine. Wine tasting. Guitar, piano. Sorry. No. Violin. Sorry. ओए ये तो मुश्किल है पास करना नहीं नहीं करेंगे हम कैसे करूं यार गाड़ी सो ईटिंग समथिंग पास कर बारबेक्यूइंग अच्छा डांसिंग टायर्ड एग्जॉस्टेड स्लीपी बोर्ड सिक Hungry. What did you do? Yo, like 6, which is really good. Yeah? Yeah, it's good. Yeah. Okay. Ushna did 8 though, but yeah, 6 is not bad. ठीक है उष्णा आप एक्ट्रेस हैं आपका बनता है मतलब आपको तो करना चाहिए अच्छा एक्टर तो आप हैं आर यू अ गुड ड्राइवर यस आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर यू श्योर अबाउट दैट हां आई एम क्या मतलब आप ड्राइव करना आएंगे भी नहीं यू श्योर अबाउट दैट हां हां बिकॉज़ मुझे सुनने में आया था कि आपने यासिर हुसैन की गाड़ी ठोक दी थी यार। और पीछे वाली बैक स्क्रीन और दरवाजा सब कुछ उजड़ गया था ये होगा अब हां ये होगा यासिर ये तुम्हारे लिए और कौन बता सकता है ये शो पे कहा था उसने शो पे बताया था आई टॉक टू यासिर क्या बात है यार तो आप तो इतने अच्छे ड्राइवर नहीं है फिर थैंक यू यार मैं अच्छा ड्राइवर हूं उनकी गाड़ी की ट्यूनिंग नहीं हुई थी ठीक है व्हाट हैपेंड या ओके आई विल टेल यू ठीक है हम पूरी रात हमने हैंग आउट किया और यासिर वाज वेरी टायर्ड हलाल हैंग आउट जी हलाल हैंग आउट यासिर वाज वेरी टायर्ड उसको बहुत नींद आ रही थी तो मैंने कहा यासिर तू फिक्र नहीं कर मैं चलाऊंगा तेरी गाड़ी मैं तुझे घर छोड़ूंगा कहते ओके जिगर जैसे वो कहता है ओके दादा ओके जिगर आजा तू आजा तो बैठ गया यार मेरी किस्मत खराब पीछे पोल था मुझे आदत है उसकी रिवर्स करने की ना उस पे ठीक है उसी गाड़ी में नहीं है ठीक है मैंने हैं करके रिवर्स की पीछे आवाज आई बस पूरा शीशा गिरा उसका मैं इतना गिल्ट में था मोमेंट तो मैं बता नहीं सकता कि मैंने उससे कहा लेकिन एक बात मैं यासिर की बताऊंगा मैंने उसके तरले किए कि भाई मैं बनवाऊंगा तेरी गाड़ी करे ठीक है बनवा दे लेकिन उसके बाद मिलना नहीं मुझे कभी तो हाँ लेकिन उसके बाद से मैंने कहा मैं कभी किसी गाड़ी नहीं चलाऊंगा कभी जिंदगी में किसी गाड़ी बट मैंने अपनी गाड़ी आज तक नहीं मारी अच्छा आई एम अ गुड ड्राइवर आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर चलो वी विल टेक योर वर्ड फॉर दैट या सो नो यू रियली गुड फ्रेंड यासिर हुसैन एंड असद सिद्दीकी सो इफ यू हैड टू से हु इज अ बेटर फ्रेंड इन दोनों में से बिकॉज़ आपकी स्नैपचैट हमेशा बेटर फ्रेंड या बेटर फ्रेंड एज इन अ बेटर पर्सन एंड बेटर फ्रेंड ना या यासिर अच्छा वो असद भी मानेगा